नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ परवल की भर भर रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए भर भर परवल रेसिपी के बनाना शुरू करते हैं। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने लिया 5 परवल। इसे अच्छे धोकर थोड़ा थोड़ा हिस्से में छिलका को निकल दिया है। इसके अंदर सारे बीज को हम निकाल कर रख दिया है। इसको एंड्स को हम काट कर भी रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया एक मिक्सिंग जार। इसके अंदर डाल देंगे सारे बीज को। 3 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च भी डाल दें। अब इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसे एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। देखिए हमारा पेस्ट रेडी है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जैसे गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल जैसे गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे सारे परवल। इसे हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा परवल लाइट गोल्डन हो चुका है। इसे प्लेट में निकाल देंगे। जो पेस्ट हम पहले तैयार करके रख दिया वो इसमें डाल देंगे। साथ साथ इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। देखिए ये कितना ठीक हो गया। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे भी मिला दे अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे 100 ग्राम की करीब पनीर। पनीर को हम तोड़ कर डाल देंगे। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मिला दे अच्छे से। देखिए हमारा स्टफिंग तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल देंगे और ठंड होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने लिया कुछ टूथपिक। थोड़ा थोड़ा स्टफिंग परवल के अंदर डाल देंगे। देखिए इसी तरह। इसे हम टूथपिक से सील कर देंगे। देखिए सेम प्रोसेस में सारे परवल हम ऐसे तैयार करके रख देंगे। अब चलते हैं अगली प्रोसेस में। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी के टुकड़े, 4 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी। इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा शुगर अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज,
प्याज को हम सॉफ्ट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो कच्चापन निकल जाए। सूखी मसाला डालने के लिए हमें करना है गैस के फ्लेम लो। अब इसमें डाल देंगे 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। सारे चीजों को अच्छे से मिला दें। अब इसमें डाल देंगे 1 टमाटर पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिला दें। इसे ढककर लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने, इसे और एक बार मिला दे। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच के करीब दही। दही को हम अच्छे से मिला देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। देखिए हमारा दही अच्छे से मिक्स्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारा मसाला के कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे पानी, ग्रेवी आप आपको पसंद अनुसार रख सकते हैं। मिला दे अच्छे से। इसे उबालने तक छोड़ दे। देखिए इसके अंदर उबाल आ चुका है। आप इसमें डाल देंगे स्टफ करके रखा परवल। इसे हम ढककर 9 से 10 मिनट लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। 9 से 10 मिनट के बाद ढक्कन का हटाया मैंने। हमारा परवल अच्छे से बॉइल्ड हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1/3 टीस्पून घी। आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मिला दे अच्छे से। अब हमें करना है गैस का फ्लेम ऑफ और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है ना। देखिए हमारा भरवा परवल मसाला खाने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी पराठा या फिर नान के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनाया है, तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और कैसे लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नया वीडियो में नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।